पैनक्रियास बॉडी का एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है जो पाचन और ब्लड शुगर कंट्रोल में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब पैनक्रियास खराब होता है तो ये कई तरह के शुरुआती लक्षण पैदा कर सकता है। सबसे पहले पाचन से संबंधित कुछ शुरुआती लक्षण पैदा होते हैं। पैनक्रियास जब खराब होता है तो पेट के ऊपर वाली साइड लेफ्ट साइड में दर्द हो सकता है या पेट के बीच में दर्द हो सकता है। ये दर्द पेट तक जा सकता है। भोजन करने के बाद पेट फूल सकता है, गैस बन सकती है और जलन महसूस हो सकती है। बड़ी मात्रा में दस्त लग सकते हैं और ये जो दस्त हैं ये बहुत ही ज्यादा स्मेल वाले होंगे, यानी इनमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आएगी। जो मल होता है उसका रंग हल्का हो सकता है और उसमें फैट की मात्रा ज्यादा हो सकती है। भूख में कमी आ सकती है, वजन कम हो सकता है। ये शुरुआती लक्षण होते हैं पैनक्रियास खराब होने के जो कि पाचन से संबंधित हैं। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं जैसे कि थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। व्यक्ति को डायबिटीज हो सकती है। पैनक्रियास ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब पैनक्रियास खराब होता है तो फिर इससे डायबिटीज हो सकती है। स्किन का रंग पीला हो सकता है, स्किन खुजलीदार हो सकती है, पीठ में दर्द हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो सिम्टम है ये किसी और हेल्थ कंडीशंस के भी हो सकते हैं। तो इनके साथ कुछ और लक्षण है जो पैनक्रियास खराब होने की शुरुआती स्टेज पर दिख सकते हैं, जैसे कि बुखार होना, ठंड लगना, उल्टी का मन होना या उल्टी हो ही जाना, पेट में सूजन होना, वजन कम होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना और डिप्रेशन होना। यदि आपको इनमें से साथ में कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो फिर अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पैनक्रियास की जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का इलाज आप दवा खाकर या कोई सर्जरी करवा कर या फिर अपनी जीवन शैली में बदलाव करके कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पैनक्रियास में समस्या क्या हुई है। यदि आप चाहते हैं कि आपको पैनक्रियास की कोई समस्या ना हो, आपका पैनक्रियास खराब ना हो, तो आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अगर आप ये बदलाव करते हैं तो फिर पैनक्रियास खराब होने का जो रिस्क है वो कम हो सकता है। जैसे कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए, सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, साबुत अनाज ज्यादा खाना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और आपका जो वजन है वो लिमिट में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। जो स्मोकिंग होती है ये पैनक्रियास की समस्याओं के रिस्क को बढ़ाती है। और अल्कोहल का सेवन आपको सीमित करना चाहिए। ज्यादा अल्कोहल का सेवन पैनक्रियास के रिस्क को बढ़ाता है। तो यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।